हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो मेरे पास मेरी बाइक है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे, तो ये न्यू जनरेशन थी। मैंने 2021 सितंबर में इसकी डिलीवरी ली थी, तो इसको ऑलमोस्ट एक साल से अब ज़्यादा 2-3 महीने ऊपर ही हो गए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसमें मुझे साल में कौन सी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई नहीं है। एक दो प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी एक साल में क्या ही कुछ हुआ इसका, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये रही अपनी बाइक, अभी काफ़ी गंदी हो चुकी है, धोने वाली हालत हो गई है इसकी। देखो कितनी मिट्टी चढ़ चुकी है इसमें। ये जो पेंट सा लगा हुआ है एक्चुअली पेंट नहीं, ये इधर मैंने एक कैरी बैग एक टांगा था, एक बार कुछ सामान लेके जा रहा था तो इधर कैरी बैग लटकाया था, वो गर्म होकर उसके साथ चिपक गया। तो आप बात करते हैं कोई प्रॉब्लम मुझे आई इसमें क्या नहीं। तो जो मैंने ये इसका लगवाया हुआ है, ये इसको सम्प गार्ड बोलते, पता नहीं कौन, रॉयल इनफील्ड भी बेचता है, लेकिन मैंने यहाँ से आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है, बस वही पत्थर वगैरह से बचाने के लिए। तो ये रहा इसका हॉर्न, बात करते हैं इसके हॉर्न के बारे में ही। अभी जैसे आप देख सकते हैं हॉर्न इसका बिल्कुल आराम से काम कर रहा है, ये है इसका हॉर्न। तो एक बार क्या हुआ, मैंने हॉर्न अचानक से बंद हो गया, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों बंद हो गया है। मैंने ऐसे बाहर भी अपने घर के पास एक दो दुकानें उनको दिखाया, उनको नहीं समझ लगी, फिर मैं ले गया रॉयल इनफील्ड के पास उनके सर्विस सेंटर में। तो ये आप जो तार देख रहे हो ना, ये रॉयल इनफील्ड ऐसे नहीं देता, ये बाद में लगाई है उन्होंने। तो जैसे ये प्लग है, जैसे ये वाला प्लग है, इस तरह का प्लग होता है इस साइड भी, ये दो प्लग वाली जगह आपको दिख रही है, ये प्लग है। तो ये वाली जो थी प्लग में से ऐसे तार ये बाहर निकल चुकी थी, तो ये उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि इसको ऐसे जोड़ दो एक्स्ट्रा एक तार, ये तार छोटी पड़ रही थी एक्चुअली ये वाली, तो इसलिए ये तार उन्होंने लगाई तो लगा दी। उनको कहा कि मैं ऐसे प्रॉपर प्लग बना के लगा दो, कहते प्लग हम नहीं बना सकते तो आप बाहर से लगवा सकते हो। अब ये नहीं मुझे समझ आया कि आप क्यों नहीं बना सकते, पता नहीं एक्स्ट्रा पैसे लेते होंगे क्या, लेते मैं दे देते, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे उन्होंने तार लगा दी। और ये जो प्लग है ये मैंने ऐसे ऊपर लगाया, इसके बीच में ऐसे लगा के ऐसे, तो प्रॉपर इसको इस तरह का प्लग बना के फिट नहीं किया, तो उसके बाद हॉर्न बिल्कुल प्रॉपर काम करने लग गया। अब पिछले कुछ टाइम से ये थोड़ा ऐसे ढीला हो गया था, तो जैसे ये निकलता है फिर मैं हॉर्न का भी यूज़ करता हूँ तो हॉर्न नहीं लगता, हाँ इस तरह की आवाज़ आ रही थी कुछ दिन से। तो फिर मैंने इसको देखा तो ये वाला जो था ये ऐसे हिल जाता है थोड़ा सा, टच होता है साथ में तो हल्की फुल्की आवाज़ आती है, तो फिर मैंने इसका ऐसे खींच के प्रॉपर ऐसे फिट कर दिया, ये इसको खोल के इसको थोड़ा लंबा करके इसको लगा दिया, तो फिर प्रॉपर चल पड़ा। अभी क्यों बंद हो गया, अच्छा चाबी ऑफ थी बस। ये एक मुझे ये दिक्कत आई इसमें, बाकी लाइट वगैरह ऑल वर्किंग है, कोई किसी में कोई बिल्कुल इशू नहीं आया। एक मेरे से एक बार ये साइड में एक डेंट लग गया था, इधर नहीं इस साइड लगा हुआ है वो, ये पता नहीं ये कोई पत्थर उछल के लगा के क्या लगा, लेकिन इधर ये डेंट्स आया हुआ है। ये प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, मतलब मेरे साल में बाइक में क्या क्या हुआ मेरे से। और तो बस यही एक हॉर्न की प्रॉब्लम आई मुझे, तो वो मैंने जाके ठीक करवा ली, तो बिल्कुल अच्छे से हो गई, और कोई दिक्कत नहीं आई एक साल में। चेन वगैरह को मैंने खुद एक दो बार ल्यूब किया है, क्लीन किया है। तो ये रही अपनी बाइक बिल्कुल ओके कंडीशन में। तो ये है रॉयल इनफील्ड की रिलायबिलिटी, कहीं भी इसको मैंने बहुत लंबा चला लिया एक्चुअली, देखते हैं एक साल में चल कितना चुकी है। तो ये तो अभी टाइम दिखा रहा है, ये 7845 किलोमीटर, तो ये चल चुकी है। ये बहुत बार ये इसका बैटरी का इंडिकेशन ब्लिंक करता रहता है, ये भी मैंने एक दो बार दिखाया, उनको कहते हैं कुछ नहीं है ऐसे ही है, नहीं है इससे कोई प्रॉब्लम। तो बस बाकी ये बाइक अपनी फुल ओके कंडीशन में। ये मैंने मोबाइल होल्डर लगाया था, इसकी भी वीडियो बनाई हुई है चैनल पर पड़ी हुई है, बाकी कोई ज़्यादा स्टिकरिंग मैंने करवाई नहीं बाइक पे। एक इधर 56 मेरा फेवरेट नंबर ये लिखवाया था, और एक इधर पीछे यूट्यूब का अगर ये तो चैनल का नाम है नहीं, ये चेंज करवाना है मुझे, चैनल का नाम है रहमान खटाना, तो ये चेंज करवाना है। और एक ही साइड ये मैंने ये वाला लगवाया हुआ है आई वाई आई वाला बस, और मैंने इस पर कोई स्टिकरिंग वगैरह नहीं करवाई। तो चेंज मैंने इसका बिल्कुल कुछ नहीं करवाया, साइलेंसर सेम बिल्कुल, अभी सब स्टॉक है, करवाएंगे बनाएंगे वीडियो। एक्चुअली मुझे अभी कोई कराने की ज़रूरत नहीं लग रही, ठीक ठाक है। तो बस यही था इस वीडियो में, रखते हैं इसमें इतना ही, और कोई दिक्कत आती है कैसे कैसे मैं इसकी वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर अच्छी कंडीशन में चल रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको मैंने बहुत लंबा टूर किया एक्चुअली, मैं जम्मू में रहता हूँ, तो एक बार मैं इसको यहाँ से लेके अपने गाँव पुंछ में गया था, तो गाँव मेरा पुंछ में है, वहाँ पर इसको एक बार लेके गया हूँ, रजौरी एक बार लेके गया हूँ, और श्रीनगर दो बार लेके गया हूँ, तो बहुत लंबे रूट पे चली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई कभी। अभी कुछ टाइम पहले इसमें एक बार पेट्रोल काफ़ी कम हो गया था, काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे रिजर्व में ही चल रही थी, तो थोड़े आस्ते आस्ते बंद होने लगी, मैंने कहा शायद कोई दिक्कत है इसमें, तो ठीक कराने जाते हैं।
लेकिन दिक्कत कोई नहीं थी, वही पेट्रोल कम था, तो जब पेट्रोल रिजर्व में काफ़ी कम हो जाता है तो फिर एक दो बार मिसिंग करती है बस, और कुछ नहीं दिक्कत आई आज तक। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।